आनंदाची बातमी खुश खबर मोठ्या शहराप्रमाणेच आधुनिक तंत्रज्ञानासह दर्जेदार शिक्षण देणारी दिग्रसमधील एकमेव डिजिटल शाळा म्हणजे विद्यानिकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल। विद्यानिकेतन शाळेची वैशिष्ट्ये विद्यार्थ्यांसाठी संपूर्ण सोयी सुविधेसह प्रशस्त व भव्य इमारत, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून संपूर्ण शाळेचा परिसर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या निगराणीत, नीट JEE व तत्सम भविष्यातील स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने वर्ग 5वी पासून शाळा अंतर्गत शैक्षणिक वर्ग उपलब्ध, नैतिक मूल्यांसह संस्कारक्षम विद्यार्थी घडावा यासाठी स्कूल सिनेमाशी करार करणारी एकमेव शाळा, क्रीडा चित्रकला नृत्य व कराटे शिकण्यास इच्छुक विद्यार्थ्यांसाठी अकॅडमी द्वारा निःशुल्क मार्गदर्शन, आधुनिक तंत्रज्ञान व AI युक्त भव्य व प्रशस्त विज्ञान लॅब, संगणक लॅब मार्फत रोबोटिक कोडिंग C++ आणि जावाचे मोफत वर्ग, प्रत्येक विषयाचे अनुभवी तज्ञ व उच्च विद्या विभूषित शिक्षक वृंद, त्वरा करा व आजच वर्ग 1 ते 10 पर्यंतच्या आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। संपर्क विद्यानिकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल बंगलियाउट दिग्रस 9834458178 8421275743 9960486269। आधुनिक शिक्षा और स्पर्धा परीक्षाओं के इस युग में विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से विद्यानिकेतन इंग्लिश स्कूल और मॉडल्स द्वारा शहर में SIP यानी स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम क्लासेस का आगाज हो चुका है, जिससे विद्यार्थियों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। क्या है ये स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। परिवर्तन संसार का नियम है, ये सिर्फ एक मुहावरा या कोई कहावत नहीं बल्कि हकीकत है। समय रहते किया गया परिवर्तन कामयाबी की दिशा तय करता है। इसी बात के मद्देनजर गुणवत्तापूर्ण अध्ययन और स्पर्धा परीक्षाओं के इस युग में विद्यानिकेतन इंग्लिश स्कूल ने मॉड्यूलर क्लासेस हैदराबाद के साथ समन्वय साधकर SIP यानी स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसे विद्यार्थियों का जबरदस्त समर्थन हासिल हो रहा है और 600 से अधिक विद्यार्थियों ने SIP क्लासेस में अपना प्रवेश निश्चित कर लिया है। विद्यार्थियों के सामने भविष्य की अनेकों चुनौतियां हैं। ऐसे में इस दौर में आधुनिक तकनीक की बदौलत शिक्षा क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। साथ ही शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सिलेबस के साथ ही ज्ञान की विभिन्न कक्षाओं का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। ऐसे में आने वाला भविष्य एक तरफ विद्यार्थियों के लिए अपने साथ अनेकों अवसर प्रदान करेगा, वहीं अपने साथ कई तरह की कड़ी स्पर्धाओं की चुनौतियां भी साथ लेकर आएगा। इसी बात के मद्देनजर दिग्रस शहर और ग्रामीण विद्यार्थियों के शैक्षिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से विद्यानिकेतन इंग्लिश स्कूल द्वारा स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। हम सब जानते हैं कि आने वाला दौर शिक्षा क्षेत्र में कई तरह के आधुनिक बदलाव का संकेत दे रहा है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार देश भर की सभी स्कूलों के लिए NCERT के सिलेबस के तहत CBSE, ICSE तथा स्टेट बोर्ड, इनमें से किसी भी बोर्ड का सिलेबस समान रहेगा, फिर चाहे स्कूल दिल्ली की हो या दिग्रस की। ऐसे में भविष्य में आधुनिक शैक्षिक प्रगति के मद्देनजर विद्यार्थियों के ज्ञान की नींव को मजबूत करने के उद्देश्य से गणित और विज्ञान जैसे विषयों पर जोर देना अनिवार्य है। इसीलिए बड़े शहरों की तर्ज पर स्थानीय विद्यानिकेतन इंग्लिश स्कूल ने नीट, JEE, IIT, MBA, CA, कॉमर्स सहित विभिन्न स्पर्धा परीक्षाओं के मद्देनजर इस वर्ष से कक्षा 3री से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एक बेहद खास, बेहतर और किफ़ायती मौका उपलब्ध किया है। 3री कक्षा से 7वीं कक्षा के लिए 6,000 रुपये और कक्षा 8वीं से 10वीं के लिए 9,000 रुपये की फीस पर SIP क्लास शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय दिग्रस परिसर के विद्यार्थियों की शिक्षा क्षेत्र में उन्नति की नई दिशाएं उपलब्ध कराएगा। गौरतलब है कि इसी सिलेबस के लिए नागपुर, नांदेड़ और पूसद जैसे शहरों में प्रति विद्यार्थी लगभग 20,000 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। ऐसे में विद्यानिकेतन ने बेहद किफ़ायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को भविष्य की किसी भी स्पर्धा परीक्षा के लिए तैयार करने का मन बना लिया है। हैदराबाद के अनुभवी तथा उच्च विद्या विभूषित शिक्षकों की टीम SIP क्लासेस में अध्यापन कराएगी।
इसमें कोई शक नहीं कि विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति में SIP क्लासेस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विद्यानिकेतन स्कूल की इस बेहद अनोखी कारगर शैक्षिक पहल के आगाज के लिए स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर संजय बंग तथा सभी शिक्षकों का हर स्तर पर सराहना की जा रही है। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।